इमरजेंसी में सर देखेंगे कोविड के पेशेंट्स जो भी आते हैं ना, तो उनकी तो सबसे पहले तो ये कि हालत ऐसी होती है, किसी को स्टेबल जो होते हैं, यंग्स जो होते हैं, वो स्टेबल जो होते हैं, जो एडजस्ट होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन की नीड होती है। अभी भी भागम दौड़ में कोविड चल रहा है, हम वही सारा दिन कभी इधर कभी इधर, सारा दिन कभी पेशेंट कोविड वार्ड में शिफ्ट होता है, आईसीयू में होता है, जहाँ दूसरे नॉर्मल पेशेंट होता है तो वार्ड में शिफ्ट होता है, जो भी सब हम लोग ही करते हैं। पेशेंट को कोई चीज़ अगर चाहिए होती है या उनके जो भी चैन कपड़े वगैरह, जो उनके बालों को बाल सेट करना, फेस वॉश करना, सारी चीज़ समझो कि एक किस्म के हम लोग फैमिली की तरह ही रहते हैं पेशेंट साथ। कोई भी कि ये ना हो कि हम फैमिली से दूर हैं, फैमिली हमारे अलाउ नहीं है, अटेंड अंदर नहीं आ सकते, उनको ये चीज़ हम फील नहीं करने देते। अगर आप लोग एक हॉस्पिटल में हो, सारा चीज़ें हम लोग उनको मैनेज करते देते हैं। जाहिर सी बात है, दुख तो होता है, बिल्कुल होता है दुख। आखिर हम भी इंसान हैं, हमारे भी वालदेन हैं, माँ बाप हैं। मेरी वालदा के इंतकाल हो गया, कोई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हमारे वो वालदा के एज के होते हैं या वालद के एज के होते हैं, तो अगर वो नहीं रिवर्ट हो सकते तो दैट्स वाई दुख तो होता है। कोशिश तो डॉक्टर्स हो या कोई भी हो, हॉस्पिटल एक टीम की तरह काम करते हैं, कोशिश तो सब करते हैं कि यार जल्द से जल्द बेहतर होकर घर जाए। जाहिर सी बात है सर, हम तो जब शुरू में स्टार्टिंग में कोविड आया तो हम तो एक किस्म कैसे कि मेंटली तौर वैसे हो गए कि यार घर जा रहे हैं, तो गेट जैसे नॉक कर रहे हैं तो बच्चे आ रहे हैं, पहले सबसे पहले तो बच्चों को साइड पर करेंगे, आप लोग हमसे दूर हो जाओ। गेट पर ही एक सब चीज़ें यूनिफॉर्म वगैरह रिमूव करके फिर वॉशरूम में फ्रेश फ्रेश होकर फिर हम बाहर आते थे बच्चों के पास। अब हमसे ज़्यादा तो घर वाले परेशान थे कि यार आप लोग आ रहे हो ऐसे सारा दिन, 8 घंटे 12 घंटे कभी 24 घंटे ड्यूटी लग जाती थी करते थे, पर हमसे ज़्यादा घर वाले भी परेशान थे, बिल्कुल परेशान होते थे। उनको भी तसल्ली अलग देने होते थे, घर वालों को क्या करें, ड्यूटी करनी है, मजबूरी है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स स्टाफ हो या वार्ड बॉय हो या हाउसकीपिंग हो, कोई भी हो, एक टीम की तरह काम करता है और टीम की तरह ही काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। सर शुक्र अल्लाह का, खुशी होती है एक पेशेंट्स की खिदमत कर रहे हैं, एजेड हो, यंग हो या कोई भी हो, हम तो हर तरीके की पेशेंट की खिदमत कर रहे हैं। बस अल्लाह देता है, मत करना है, बच्चों के लिए करना है, घर बैठेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं बच्चों के लिए तो बाहर निकले हैं, कोविड से भी फेस कर रहे हैं,